डियर स्टूडेंट्स, योर टूडेज क्लास सेकेंड सब्जेक्ट इज इंग्लिश। आज की आपकी क्लास का सेकेंड सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज का हमारा टॉपिक है लेटर ई, ई फॉर एलिफेंट। देखिए बच्चों, आपने प्रीवियस क्लासेस में लेटर ई के पिक्चर में कलर किया था वर्कबुक में और फिर पेंसिल से लेटर ई को ट्रेस करना सीखा था। ओके, ट्रेस करना हमने क्यों सीखा था? ताकि हम इजीली अपनी इंग्लिश की कॉपी में लेटर ई को बनाना सीख जाएं। ओके, सो टुडे वी विल लर्न दैट हाउ टू मेक लेटर ई इन इंग्लिश कॉपी। ओके, आज हम क्या सीखेंगे कि लेटर ई को आप कॉपी में कैसे बनाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पर लेटर ई है और यहाँ पर फर्स्ट फोर लाइन में मैंने लेटर ई बनाया हुआ है। अब आपको क्या करना है, नीचे की फोर लाइन स्किप करना है और यहाँ पर थर्ड फोर लाइन में आपको क्या दिखेगा, वन और टू और थ्री डॉट दिखाई देंगे। इस पे ही आज हमको लेटर ई बनाने की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, आपको वन टू थ्री डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पे आपको एक स्टैंडिंग लाइन मेक कर लेना है। ओके, आप फिर भी हमें डॉट दिखाई दे रहे हैं, आप क्या करना है, हमको वन टू एंड थ्री, थ्री स्लिपिंग लाइन बनाना है। तो ये क्या बन गया, लेटर ई, ई फॉर एलिफेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन बना लेंगे और इन तीनों डॉट से शुरू होती हुई छोटी छोटी सी स्लिपिंग लाइन आपको थ्री बनाना है। देखिए कोई भी लेटर इंग्लिश का हम सिर्फ थ्री लाइन में ही बनाएंगे, वन टू थ्री फोर लाइन की जो हमारी इंग्लिश की कॉपी होती है उसमें कोई भी लेटर हम कैपिटल वन टू और थ्री सिर्फ थ्री लाइन को कवर करते हुए बनाएंगे। वन टू थ्री डॉट पे एक स्टैंडिंग लाइन बना लेना है, उसके बाद वन टू एंड थ्री छोटी छोटी सी आपको स्लीपिंग लाइन बनाना है। ठीक, क्या बन जाएगा, लेटर ई, ई फॉर एलिफेंट। इन थ्री डॉट्स पर एक स्टैंडिंग लाइन मेक कर लेनी है, स्टैंडिंग लाइन बना लेनी है और फिर फर्स्ट लाइन में स्लिपिंग लाइन, सेकेंड लाइन में भी स्लिपिंग लाइन और थर्ड लाइन में भी स्लिपिंग लाइन। ये क्या बन जाएगा, लेटर ई, ई फॉर एलिफेंट। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही आज आपको अपनी कॉपी के पूरे पेज पर लेटर ई, ई फॉर एलिफेंट बनाना है। उसके बाद आपको सेकेंड पेज पर भी लेटर ई ही बनाना है, टू टाइम बनाना है आपको अलग अलग पेज पर। ये आज आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का वर्क है जो आप कंप्लीट करेंगे, इसके लिए मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड करूंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको टू टाइम करना है इस वर्क को और फिर देन वर्क मुझे सभी को सेंड करना है। ओके, नाउ अवर क्लास इज वाइंड अप। हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू।